गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वायरस, उसके टाइप, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आता है कि हमारे पास वर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, वायरस में ये था कि वो जो अपने आपको रेप्लिकेट कर लेता था, किसी के पाए के साथ अटैच होता था, उन्हें पता नहीं चलता था, यानी कि यूजर को नहीं पता चलता था कि उसके सिस्टम पर वायरस है या नहीं है। जैसे ही वो फाइल एग्जीक्यूट होती थी तो वो अपने आप ही क्या करता था, मल्टीपल फाइल के साथ एग्जीक्यूट हो जाता था। नेक्स्ट आता है वर्म्स। वर्म्स भी अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है नेचर के नीचे के अंदर, बट जनरली क्या करते हैं, जैसे वायरस अपने आप को दूसरे प्रोग्राम के साथ कुक कर लेता था, अटैच कर लेता था, ये वो काम नहीं करता। जनरली वायरस और वर्म्स के बीच में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो अगर देखें तो वर्म्स होते हैं नेटवर्क अवेयर हो, ये क्या करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इजीली आपके ट्रैवल कर जाते हैं अगर नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है। ठीक, एंड टारगेट मशीन वेयर दे विल नॉट नोट कुछ ना, मीन्स ऐसा नहीं होता था कि जनरली क्या करते थे कि ये नहीं एकदम से को हम करेगा, तो बेसिकली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आपके कोई ट्रैवल कर जाते थे। जनरली हमारे पास क्या होता था कि जब भी ये एग्जाम्पल आपके पास जैसे हार्ड डिस्क स्पेस है जो कि आपके पास उसको कंज्यूम कर लेंगे, और आपकी जो हार्ड डिस्क स्पेस कंज्यूम करने के बाद ही आपकी कंप्यूटर की उसकी डास्ट उसको डाउन कर देंगे। बोर्ड्स, बोर्ड्स भी अगर हम देखें तो हमारे पास एडवांस फॉर्म में वायर बॉम्स, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं क्योंकि आपके पास डिजाइन इंटरनेट और इंटरनेट ह्यूमन के इंटरेक्शन के बिना ये क्या करते हैं इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं, इंटरनेट एक्टिविटीज के साथ अपने आपको इंटरेक्ट कर देते हैं। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो ये दोनों ही होते हैं, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, मैलिशियस बोर्ड जो होते हैं ये एक वन हाउस जनरेट जो सेंट्रल सर्वर है आपका उस तक कोई तरीके से जो कनेक्शन है उसको भी हार्म कर देते हैं, उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और सर्वर जो होता है बिटकॉइन प्रोवाइड का मान, और जितने भी इन्फेक्टेड हॉस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं, यानी जो सर्वर से पर्टिकुलर नेटवर्क में अटैच होते हैं, उन सबको ये क्या कर देता है इन्फेक्ट कर देता है, और उसको बोलते हैं बॉट नेट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बॉट नेट जो होते हैं एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, और ये एक तरीके से जितने भी सर्वर से इन्फेक्टेड सिस्टम होते हैं जितने भी अटैच होंगे उन सबको क्या करेगा वो हार्म करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आता है ट्रोजन। देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोजन का है वो डिफरेंटली है, कंप्यूटर के डिफरेंट है जैसे वायरसेस और वर्म्स से। बेसिकली जो ट्रोजन था वो ड्राइव हुआ था ट्रोजन हॉर्स से, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी की एक स्टोरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि कैसे ग्रीक्स जो थे वो जो ट्रॉय थी अपने उसकी स्पेसिफाइड जो आपके पास फोर्टिफाइड एरिया था उसमें वो कैसे पहुंचे थे। जनरली उन्होंने क्या किया था, एक लकड़ी का होज बना रहा था और उसके थ्रू क्या कर रहे थे वो सारे के उसके अंदर अपने सोल्जर्स को उसने क्या कर दिया था बिठा दिया था, और उसके थ्रू वो क्या कर रहे थे कोर्ट के अंदर एंटर कर रहे थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया था। तो इनका जो पर्पज था बेसिकली जैसे अपनी ट्रोजन हॉर्स बनाने का जो पर्पज था वो यही था कि जो आपको एंटर होना है बिना उसकी, उन्होंने क्या किया था एक होज एज अ गिफ्ट दिया था, उस होज के अंदर वुडन हॉर्स के अंदर सारे के सारे सोल्जर्स को भेज दिया था, और जब वो एकदम से कोर्ट में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने पर अटैक कर दिया। तो वही चीज था कि ये जो पर्पज था यानी कि इनसाइड द सॉफ्टवेयर दैट सेम एज द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड रेगुलर डेटा सो प्रीवियस स्ट्रीम इंफॉर्मेशन एनी अदर पर्पज फॉर दिस दिया जाता है, यानी कि ट्रोजन वायरस जितने भी होते हैं ट्रोजन हॉर्स जितने भी होते हैं आपके पास वो जिस पर्पज के लिए डिजाइन होते हैं, तो जैसे वो आपके सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं विदाउट नोइंग द यूजर, यानी कि यूजर को नहीं पता होता है और उनको अपने जो टास्क है यानी कि जो फाइल्स को ऑन करना है, सिस्टम के स्पीड को स्लो करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने टास्क को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमको उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है तो उनका मैसेज। ठीक, जनरली एक तरीके से अगर हम देखें तो जितने मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं इनके लिए बैकग्राउंड का काम करते हैं, यानी कि हम कहते हैं बैकग्राउंड एंट्री, तो बैकग्राउंड गेटवे का काम करते हैं जितने भी हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे एक्टिविटी ट्रोजन है अपना, प्रॉक्सी ट्रोजन है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब ट्रोजन जो होता है आपका ये किसी भी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, यानी कि जब सिस्टम को हार्म करना स्टार्ट कर देगा, सबसे पहले यूजर्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो दूसरों को भेजना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम, मीन्स आपके सिस्टम के मेन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर देगा और दूसरे यूजर्स को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड चेंजेस और डिलीटिंग डेटा ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो डेटा है कंप्यूटर का उसे चेंज कर लेना या फिर उसे डिलीट कर देना। थर्ड, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा इन एन अनऑथराइज वे, एक अनऑथराइज वे में या तो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देना या फिर डेटा को अपलोड करना स्टार्ट कर देना।
स्पेडिंग मार्किंग पॉइंट और सच वायरस एंड वायरसेस जैसे होता है उनको स्प्रेड करना, नहीं शटिंग डाउन द कंप्यूटर अनएक्सपेक्टेडली कंप्यूटर को शट डाउन करेगा, अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है अनऑथोराइज है उसका इंस्टॉल के लिए स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है स्पाइवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल होता है विदाउट द यूजर नॉलेज, स्पाइवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं विदाउट यूजर नॉलेज, यूजर को नहीं पता होता वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं आपके। ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन यूजर्स की कंप्यूटर के यूजर एक्टिविटीज को ओवर द इंटरनेट, यानी कि जो यूजर है वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, किस फाइल पर वर्किंग है, क्या उसका काम है, उसको वो क्या करते हैं वो इंटरनेट पर इन्फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। दी डायरेक्टिव साइट विच इज फॉर द कल्चर एंड कंप्यूटर, और उन सारे साइट्स को डिडायरेक्ट करना शुरू करते हैं, उनको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को या कल्चर पर स्पॉइल कर देते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं जब भी हमारे स्पाइवेयर और हमारे सिस्टम कंप्यूटर को इफेक्ट करता है तो उसका सिम्टम्स है यूजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी यूजर इन्फॉर्मेशन को दूसरों को सेंड करना, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन होगा अनऑथराइज, यानी कि जो वेब ब्राउजर्स हैं उनको डायरेक्टली लेकर के जाएगा किस पे जो भी आपकी डेंजरस वेबसाइट्स हैं यानी कि जो भी आपकी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स हैं उन पर, देन चेंज कंप्यूटर सेटिंग और कंप्यूटर की सेटिंग्स जो भी उनको चेंज कर देता है। यूजिंग एंटी स्पाइवेयर के मीनवाइज हमारे पास एंटी स्पाइवेयर आते हैं जो कि बेसिकली जैसे हमारे पास एंटी वायरस आते हैं वैसे ही एंटी स्पाइवेयर आते हैं जो कि इसके जितने भी नाम होते हैं उसको भी मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं टैमपॉन। जनरली क्या होता है कि हमें एक नाम दिया हुआ है जैसे वायरस है हमारे पास स्पाइवेयर है ट्रोजन हॉर्स है और ऐसे हमें एक नाम दिया हुआ है जिसको टैमपॉन। जनरली कुछ कोड होते हैं जो कि डज नॉट यूज जो कि एकदम से ट्रिगर नहीं होते, इमीडिएटली ट्रिगर का मतलब है एकदम से एक्टिवेट नहीं होगी, एकदम से इसमें ट्रिगर नहीं होती आपकी, इन सिर्फ इट इज सेट टू फेल इट इज डेमिनेट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, लेकिन इनको जो सेट किया जाता है वो इसके सेट किया जाता है कि फ्यूचर में वो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर के आपके सिस्टम को आपके जो कंप्यूटर है उसको आपके पीसी को हार्म करेगी आपका। यूजली टाइम बॉम्ब्स आर डिजाइंड टू बी यूज्ड टू वर्ड्स अ कंपनी और जनरली टाइम बॉम्ब जो होते हैं वो एक डिजाइन किए जाते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी कंपनी से एक दूसरी कंपनी को रिवेंज लेना है तो उसके जो नेटवर्क है उसमें टाइम बॉम्ब को इंस्टॉल कर देता है। बेसिकली उसके बाद कुछ होता क्या है कि वो एकदम से ट्रिगर नहीं होगा, एकदम से एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी जाकर के वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जनरली वो क्या टाइम बॉम्ब जब भी कभी इंप्लीमेंट किया जाता है तो मैसेज भी सेंड करते हैं जैसे सेंडिंग से यू आर अ ग्रेटफुल ऑन एप्पल फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एप्पल को एक मैसेज उसने दे दिया यू आर अ ग्रेटफुल और जानने की कोशिश करता है तो ये जो आपका सिस्टम है उसको हार्म करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिक बॉम्ब। एक लॉजिक बॉम्ब इज अ प्रोग्राम विच विल एग्जीक्यूट अ प्री प्रोग्राम रूटीन, यानी कि प्री प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ रूटीन है यानी कि कोड है मेरे पास उसको ये क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही डेजिग्नेटेड कंडीशन यानी कि जो उसे डिजायर्ड कंडीशन है वो उसकी फुलफिल हो जाएगी। लॉजिक बॉम्ब लॉजिक बॉम्ब्स कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते हैं, अपनी कॉपीज वो कभी नहीं बनाते हैं। जनरली लॉजिक बॉम्ब वर्क एज सेम एज टाइम बॉम्ब, जैसे आपका लॉजिक बॉम्ब वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका टाइम बॉम्ब करता है, यानी कि कोई रेप्लिकेट नहीं करते अपने आप को और फ्यूचर में जब भी कभी एक तरीके से जब भी इनकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है जब भी इनको लगता है कि हाँ ठीक है अभी का डेजिग्नेशन आ गया या एक टाइम ड्यूरेशन हो गया तब उसके बाद ये अटैक करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले वायरस एंड बॉम्ब से आप प्रिवेंशन किस तरीके से लेंगे यानी किस तरीके से आप अपने सिस्टम को प्रिवेंट करेंगे। जनरली अगर हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो कि वायरस एंड बॉम्ब्स के थ्रू है तो कंपनीज होती है यहाँ अपने सिस्टम में भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स को जो है उनको क्या कर लेते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, और जिससे अपने सॉफ्टवेयर्स को जो है वो हम टाइमली अपडेट करते रहते हैं जिससे कि जो भी वायरस एंटी वायरस या बॉम्ब्स है जो भी कोई हार्म होने वो सारे के सारे हमारे बच जाते हैं। दूसरा इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने यूजर्स को ट्रेन करते हैं कि वो जितने भी अटैचमेंट है या जितने भी अननोन सेंडर्स कोई भी है उसको कोई भी लिंक भेजा हुआ है कोई भी उसके सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी डाउनलोडिंग के लिए थ्री भेजा हुआ तो वो उसे डाउनलोड ना करें। ठीक है, धीरे धीरे इस पर वो क्लिक ना करें। ठीक है, यूजर्स शुड ऑल्सो बी वेरी कॉन्शियस एंड यूज फाइल
एड्स पर्टिकुलर लाइक्स पर। और जब भी कभी क्या होता है कि जब भी हम पॉइंट टू पॉइंट अपनी सर्विसेज को या फाइल्स को सेंड करते हैं, जनरली हम नेटवर्क पर होते हैं, तो आपके पास जब भी एड्स आता है विजिटिंग एड्स के लिए, तो या कोई भी आपके पास ऑफर आया तो उन्हें हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज उनके साथ हमारे पास वायरस जोड़ते हुए हमारे सिस्टम को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉटनेट्स। अगर हमारे पास बॉटनेट्स है, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं भी आपका हार्म हुआ है या कहीं भी इफेक्टेड हुआ है, तो उस केस में बॉटनेट इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। जनरली फर्स्ट वी मॉनिटर नेटवर्क परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज इरेगुलर, यानी कि सबसे पहले नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है, उसकी एक्टिविटीज है, उसको वॉच आउट करना है। जैसे कि कोई भी अगर मेरे पास कोई इरेगुलर नेटवर्क बिहेवियर मिलता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं अटैक हुआ, उस केस में उसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको टाइमली अपडेट करना है, जिससे कि इससे हमारा बॉटनेट के अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट की ऑल आवर सॉफ्टवेयर्स एंड इंस्टॉल एनी अननेसेसरी सिक्योरिटी पैचेस, और जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उनको आप टाइमली अपडेट करें, और उसके लिए कोई भी जितने भी सिक्योरिटी पैचेस होते हैं उनको हम अपने आप में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज नॉट टू एंगेज रेगुलेटरी डेट और बॉडी फंक्शन। जाना लेते हैं कि जितने भी अनफैमिलियर्स हैं, यानी कि हम अपने जितने भी यूजर्स हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने यूजर्स को इसके लिए अपडेट करती है, कि उन्हें इन्फॉर्म करती है कि अगर आपके पास कोई भी ईमेल आती है जो कि आपके पास किसी भी के थ्रू है या अननोन पर्सन के थ्रू है, तो उनके जितने भी अटैचमेंट्स हैं या कोई भी सेंटर्स आपके पास अननोन है, आपको लगता है कि रिलायबल सेंटर नहीं है, तो उनके जितने भी मेल्स हैं अनफैमिलियर रिसोर्सेज हैं उनको वो डाउनलोड ना करें, उनको बोल के ना। इम्प्लीमेंटेशन बॉटनेट टूल्स डिफाइंड करवाना एंड बग रूट वायरस बग वायरस। जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं एंटी बॉटनेट टूल्स आते हैं जो कि आपके अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास जो कि आपके पास बॉटनेट वायरसेस को ब्लॉक कर पाए, ठीक है। और जितने भी हमारे फायरवॉल्स होते हैं, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके प्रिवेंट करते हैं, आपके रिमूव कर लेते हैं बॉटनेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास था वायरसेस एंड बॉम्ब्स, क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं, और किससे हमारे पास क्या हार्म होता है, और किस तरीके से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फायर, ठीक है। मीन्स हमारे पास अगर थ्रेट है कोई भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में किसी की भी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फायर। देखिए जनरली अगर हम देखें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है पहले लोगों के पास, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके पास, वो एक ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट एक्सेस का या हमारे पास ऑनलाइन का जो मार्केटिंग का या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हुई। अब जब ऑब्वियसली बात है कि जब नेटवर्किंग पर आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास वायरसेस कैसे आते हैं, या तो हम नेटवर्क किसी कोई भी चीज़ किसी के नेटवर्क पर है, या फिर हम क्या करते हैं जितने भी किसी से किसी के वायरस है, किसी के सिस्टम में वायरस है, उसके एंड्रॉइड में या आपके उससे कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, आपने पैंडेमिक अपने सिस्टम में यूज़ की, तो वो वायरस उसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारा डे बाई डे जो हमारे पास ऑनलाइन का या नेटवर्किंग का यूज़ बढ़ता चला गया, तो हमारे लिए सिस्टम्स के लिए थ्रेटिंग कॉल्स हैं या थ्रेटिंग सिचुएशन वो भी धीरे धीरे बननी शुरू हो। अब जनरली क्या होता था कि इतना तो नहीं था कि हमारे पास की हर वर्क स्टेशन या सर्विसेज को हम क्या करें, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे यूजर प्रोटेक्शन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है, क्योंकि हम सारे के सारे मान लीजिए 100 वर्क स्टेशन हैं, तो 100 वर्क स्टेशन को मैं हर सिस्टम को एक सिक्योरिटी अप्रोच प्रोवाइड कर पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी के पास फायर सिस्टम है तो ठीक है, वो उसको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन 100 सिस्टम से 1000 सिस्टम है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आया दैट इज द फायर, ठीक है। तो जो आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो इंक्रीजिंगली जो एक्सेप्टेड है दैट इज द फायर। तो फायरवॉल जो हमारे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेज है जो कि आपके इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करती है, और जितना भी जो सेट ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स हमें डिफाइंड किए हुए, जो सिक्योरिटी रूल्स हमें डिफाइंड किए हुए, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करती है कि ये मेरे पास उन सिक्योरिटी रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वो सिक्योरिटी रूल्स हमारे सेटिस्फाई नहीं होते तो उसे वो वहीं पर क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका जो बेसिकली पर्पज होता है, एक तरीके से आपके इंटरनल नेटवर्क जो है जिसमें आपका इनकमिंग है, जो ट्रैफिक है, यानी कि जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास आ रहा है, तो उसमें से जितने भी हमारे पास कोई भी अगर मैलिशियस ट्रैफिक है, वायरस है, कोई भी है, तो हम उसे क्या करें, ब्लॉक करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास
फायरवॉल डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली फायरवॉल्स जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं, और इसमें कोई भी इन्फेक्टेड वायरस है या इन्फेक्टेड आपके पास कोई भी फाइल्स है, कोई यूनियंस है, तो उसको वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे कि आपके नेटवर्क के अंदर वो इन्फेक्टेड पार्ट जो या इन्फेक्टेड मेल जो है वो आपके नेटवर्क में एंटर न हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फायरवॉल डिजाइन प्रिंसिपल। देखिए फायरवॉल जो होता है इज इंसर्टेड बिटवीन द प्रीमाइसेस नेटवर्क एंड इंटरनेट टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोलिंग आउटर सिक्योरिटी वॉल ऑफ द पैरामीटर। यानी एक तरीके से एक वॉल का काम करता है, दीवार का काम करता है, जिससे कि इधर का कोई भी पर्सन आएगा तो उसे आने से पहले अपना पूरा एक तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी होगी। अगर वो एक वायर वॉल जो हमने इस तरीके से डिजाइन किया अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करेगी, अगर वो उसे अलाउ नहीं कर पाएगी। जो एम होता है यानी कि जितने भी नेटवर्क के जो प्रीमाइसेस है इंटरनेट बेस्ड जितने भी अटैक्स हैं उनको एक तरीके से अटैक को मॉनिटर को मैनेज करना, उन्हें एक तरीके से वही के लिए रोक देना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास, ठीक है। और फायरवॉल आपके सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे जाए तो वहाँ भी लग सकती है, और वो सिस्टम से आपके पास मॉनिटर लग सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि हमें फायरवॉल बेसिकली इसके जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो हम सिंगल अगर पीसी है दो पीसी है तो हम क्या करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पे जो होते हैं उन्हें परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिव फायरवॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायरवॉल करेक्टरिस्टिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली यहाँ पर वेट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।